हर कंपनी लिखती है, कोई आगे कोई दाएं कोई बाएं, जैसे इस कंपनी ने लिखा हुआ है पीछे, इसमें 32% प्रोटीन है और 22% फैट है। इसी तरह 32% प्रोटीन है, 18% फैट है। बहुत सारी ऐसी फीड आती हैं जो बाल झड़ने में काम आती हैं। 32% इसमें मैंने फैट प्रोटीन डाला हुआ है और 22% फैट। इसमें 30% प्रोटीन है और 24% फैट है, जो कि इस समय इन सारी फीडों में से सबसे ज़्यादा फैट इस फीड में है। सत श्री अकाल फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज का टॉपिक है कि फीड, क्योंकि पूरी गर्मियां हम एक बहुत ही टफ चैलेंज था डॉग को फीड खिलवाना, लेकिन आजकल इतना अच्छा समय है तो अगर हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट या ऐसा मोटा करने के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंपनियां मांस के लिए, बोन्स के लिए, मसल बनाने के लिए प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, उसमें अगर हम डॉग को एक सिंपल पेट के कीड़ों की दवाई देकर सही डॉग को सही फीड दे देंगे तो वहीं से हमें बहुत सारा रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि डॉग फीड में कैल्शियम भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, दांतों के लिए स्ट्रांगनेस, ब्रेन के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, जो डॉग के बाल बेफिजू झड़ रहे हैं वो ऑलरेडी सब कुछ इसमें होता है। मैं स्टार्ट करता हूँ टार्टर से। जब एक छोटा पपी होता है ना, जब हम लेते हैं 30, 40, 50, 60 दिन का, तो लगभग पहले एक आध महीने से लेकर अगले 3-4 महीने तक डॉग को स्टार्टर डॉग फीड दी जाती है। स्टार्टर का कहने का मतलब है स्टार्टर, ये हर कंपनी 2-3 तरह की फीड बनाती है। स्टार्टर शुरू होता है, उसके बाद 3-4 महीने के बाद पप्पी से लेकर लगभग 1 साल तक पप्पी फीड हम डॉग को देते हैं और 1 साल के बाद अडल्ट। बट हाँ, एक बात इसमें ऐड कर दूँ, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर मेरा डॉग 2 साल का है तो मैं शायद उसको स्टार्टर फीड डाल नहीं सकता। ये गलत है। जैसे एक मदर होती है ना, बच्चे कैरी करती है, जैसे उसको प्रेगनेंसी में 30-40 दिन हो जाते हैं, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड स्टार्टर डालते हैं जो कि माँ के लिए भी स्ट्रांग होता है और बच्चों में जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो ताकत की होती है, तो ये मदर और बच्चों दोनों को डाली जा सकती है। छोटे बच्चे की फीड बड़े डॉग को डाली जा सकती है, बड़े डॉग की फीड छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टर से। ये 90 दिन तक देना ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी भी कंपनी का स्टार्टर लो तो हमेशा बैग को घुमाकर इसके पीछे उसमें कितने परसेंट फैट प्रोटीन है। हर कंपनी लिखती है, कोई आगे कोई दाएं कोई बाएं, जैसे इस कंपनी ने लिखा हुआ है पीछे, इसमें 32% प्रोटीन है और 22% फैट है। इसी तरह हर एक कंपनी अपने, जैसे ये पप्पी वाला डॉग फीड है, अगर हम थोड़ा प्रोफेशनल रेंज में आए तो आपको रॉयल कैनन में बहुत बढ़िया स्टार्टर मिल जाएगा। इसमें NND, ये मेड इन इटली का प्रोडक्ट है, इसका स्टार्टर का रिजल्ट भी रियली गुड। बट हाँ, अब मैं जितने आपको स्टार्टर दिखाऊंगा, अपने डॉग के डाइजेस्टिबिलिटी को फॉलो करना है और अपने डॉग की लाइक मतलब क्या है कि अगर आप डॉग को, आजकल सर्दियां हैं, गर्म पानी या अगर दही दे रहे हो, दही में भी थोड़ा गर्म पानी डालकर हम उसका जो कहते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर कर देते हैं, तो क्या डॉग खाता है उसको? फिर खाने के बाद क्या डाइजेस्ट करता है? ये तो नहीं उल्टी कर दे या लूज मोशन कर दे? जो दो चीज़ें चेक करनी बहुत जरूरी है, एक उसका स्मेल या टेस्ट कह लो कि अब वो उसको खाना पसंद करेगा, फिर क्या अंदर फीड जाएगी, डाइजेस्ट करता है वो डॉग, कहीं उल्टी या लूज मोशन तो नहीं लगते? तो ये दो चीज़ें अगर हो गई तो फिर हम 10-12 दिन के बाद देंगे कि हमारा डॉग फीड देकर हमें बॉडी वेट या बॉडी ग्रो उसका हुआ कि नहीं हुआ, वो हम 10-12 दिन के बाद उसका बॉडी वेट चेक करके मालूम पड़ जाएगा। तो चाहे आप इंडिया की फीड लो, चाहे बाहर वाली लो, किसी भी, आप ये तीनों पैटर्न एक हफ्ते में आपको रिजल्ट आ जाएगा कि वो फीड आपके डॉग के ऊपर कैसा रिजल्ट कर रही है। तीसरा उसके बाद आता है ये विनर प्लस, ये जर्मन कंपनी का प्रोडक्ट है कि इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। उसके बीच आता है ये थाईलैंड का प्रोडक्ट है, ये है स्मार्ट हार्ट। ये वो ब्रीडों को ज़्यादातर दिया जाता है जो कहते हैं मैं मोटा करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके ये साइड में इस तरह ये लिखा हुआ है। ये कंपनी अपने में बोल रही है कि मैं 32% इसमें मैंने फैट प्रोटीन डाला हुआ है और 22% फैट। तो हमेशा जब भी आप डॉग फीड लो, फैट प्रोटीन का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपके पास चाहे छोटी ब्रीड है पग पमेरियन, चाहे आपके पास बड़ी ब्रीड है जिसको रॉटवाइलर, अमेरिकन बुली, जहाँ इससे भी बड़ी ब्रीड अगर आपके पास है। उसके बाद आता है पेडिग्री का स्टार्टर। पेडिग्री का स्टार्टर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन इसमें इसमें फैट प्रोटीन लिखा होता ऊपर, 32% प्रोटीन है, 18% फैट है। फैट प्रोटीन थोड़ा कम है इसमें फैट के, तो ये आप किसी भी उस ब्रीड के हिसाब से दे सकते हो। बहुत सारी ऐसी फीड आती हैं जो बाल झड़ने में काम आती हैं, जैसे ये है इनका स्टार्टर है, इनका मदर एंड बेबी डॉग लिखा हुआ है स्मार्ट हार्ट कंपनी का, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ये बस हमेशा छोटा दाना छोटे डॉग को दोगे,
खाने में आसान रहेगा, डाइजेस्ट करने में आसान रहेगा, क्योंकि हमेशा स्टार्टर जो पप्पी, स्टार्टर का दाना छोटा होता है, पप्पी का थोड़ा दाना उससे बड़ा होता है, और अडल्ट फीड का दाना तो सबसे बड़ा होता है। एक मैं आपको इंट्रोड्यूस किस तरफ कर रहा हूँ, ये कैनाइन क्रिक का, वैसे मोस्टली ये 20 किलो का बैग है, ये आप इसमें 10 किलो फ्री आ रही है। इसमें मैं अगर ध्यान देने वाला आपको क्या करूँ, ये चीज़ पर ध्यान दीजिए, इसमें 30% प्रोटीन है और 24% फैट है, जो कि इस समय इन सारी फीडों में से सबसे ज़्यादा फैट इस फीड में है। ये लेकिन ये बड़ा बैग है, ये मैं नहीं कहूँगा कि जिनके पास एक आध डॉग है इतना बड़ा बैग लीजिए, बट हाँ अगर आपके पास कैनल है या 4-5 डॉग हैं तो ये फीड आपके डॉग को अच्छा रिजल्ट देगी। चाहे आपका डॉग मेल है तो जैसे मीटिंग की में हमें जरूरत पड़ती है स्पर्म स्ट्रॉन्ग हो, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती है जिससे उसको जो भी अंदरूनी ताकत चाहिए वो मिलेगी। मदर को अगर डाल रहे हैं तो जो आप मदर को दे रहे हो वो इन शॉर्टली बच्चों को जाएगा, तो बच्चे भी अच्छे हेल्थी, या फिर बच्चे जब माँ को दूध देते हैं तो फिर वो जो माँ को दोगे वो इंडायरेक्टली दूध के थ्रू बच्चों को जाएगा, तो बर्थ के बाद भी बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये फीड आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं हमेशा फैट और प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास मेल है फीमेल है दोनों को समय समय पर अच्छा न्यूट्रिशन होने की ज़रूरत है चाहिए, तभी आपका रिजल्ट कैनल अच्छा बढ़ेगा, तभी आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा। हाँ जब गर्मियों का मौसम आता है जब आपको बैलेंस डाइट देनी होती है तब आप चावल रोटी वो डाल सकते हो, लेकिन हाथ जोड़ का निवेदन है कि डॉग को मीठा नहीं देना है, चाहे मीठे चावल हो कुछ भी हो, डॉग को नमक वाला कोई घर का दाल सब्जी या बर्गर पिज़्ज़ा ऐसे कोई मत चीज़ दीजिए, बिस्कुटें तक बिस्कुट नहीं देना, और डॉग को दूध मत डालिए, दही लस्सी जितना मर्जी दो लेकिन दूध डॉग को मत दीजिए, उसमें एक तो बाल झड़ेंगे, फिर डॉग के पेट में कीड़े बनेंगे, वॉर्म्स बनते हैं, डॉग ग्रो नहीं करेगा, तो वो जरूर ध्यान रखिए। तो ये वीडियो पूरा फीड के ऊपर, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, बाकी तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो एवरी थर्सडे हमारा लाइव शो आता है, तो हमें जरूर ज्वाइन कीजिए शाम को लगभग 5 बजे के आसपास। हमारा ऐप आईफोन एंड्रॉयड फोन पर भोला शोला के नाम से ऐप है, और हम डोर डिलीवरी करते हैं ऑल ओवर इंडिया, हर प्रोडक्ट डोर डिलीवरी, जो भी आपको चाहिए हमारी कस्टमर केयर सर्विस नंबर नीचे दिया हुआ है उस पर बात कीजिए, वो आपको ऑफिस आवर्स में हमेशा रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू वेरी मच, होप आपको वीडियो अच्छा लगा।